जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पशुओं से संबंधित जो अहम टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सरकार की योजना कौन सी है, कब क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी नस्ल फेमस है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देश में पहली बार पशुधन गणना 1919 में हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। प्रत्येक 5 साल बाद पशुगणना होने लगी है। आज़ाद भारत में पहली बार पशुगणना 1951 में हुई थी। 3 सितंबर 2017 को 19वीं पशुगणना की रिपोर्ट पेश की गई, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पशुपालन विभाग ने प्रकाशित की थी। उस समय देश में पशुधन 51,20,00,000 था। 20वीं पशुगणना 23 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी। 20वीं पशुगणना में देश में पशुधन 53,57,08,000 है, जो कि पिछले पशुगणना से 4.6 अधिक है। इससे पहले जो 20वीं पशुगणना की विशेषताएं हैं, इससे पहले पशुगणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी। अब की बार पहली बार पशुगणना डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की गई है। राज्य हरियाणा में पहली बार पशुगणना स्मार्टफोन व टेबलेट का प्रयोग कर किया गया। पहली बार बिल्लियों की भी गणना की गई। पशुओं की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि पश्चिम बंगाल 23% में, तेलंगाना 22% में हुई। राज्य में कुल पशुधन 71,26,447 है, जबकि सबसे ज़्यादा पशुधन हिसार में है, जो कि 6,57,532 है। सिरसा में 5,71,924 है। जींद में 5,56,880 पशु हैं, वह सबसे कम पंचकूला व फरीदाबाद में है। राज्य में सबसे ज़्यादा भैंस हैं हिसार, जींद और कैथल में, सबसे कम पंचकूला में। गाय के बारे में आपको बता दें कि गर्भ अवधि 280 दिन की होती है। प्रजनन आयु जो 8 से 21 माह, मध्यकाल 24 घंटे। देश में गाय की मान्यता प्राप्त 27 प्रजाति हैं। भारत में कुल संख्या 14.51 करोड़ है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय सिरसा में है, सबसे कम पंचकूला में है। सिरसा में ज़्यादा साहिवाल गाय पाई जाती है। हरियाणा में साहिवाल, हरियाणवी, थार पार कर नस्ल की गाय पाई जाती है। ये नस्ल देखिएगा, ऐसी नस्ल जो है आती रहती है। साहिवाल अमृत महल भारवाक है, दीवी कांजी हरियाणवी, लाल सिंगी कंगयाम, थार पारकर गिर, पवार कांकरेज, देवनी, बाछोर, मेवाती। तो ये आप देख सकते हैं भारतीय गाय की नस्लें। साहिवाल गाय का रंग लाल होता है। इसका जन्म साहिवाल जिला पाकिस्तान में है। भारत में ये राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, पंजाब में माटुकुमरी जिला और रावी नदी के आसपास लायलपुर, लोधरान, गंजीवार आदि स्थानों में पाई जाती है। ये भारत में कहीं भी रह सकती है। एक बार ब्याने पर यह 10 महीने तक दूध देती रहती है। दूध का मान प्रतिदिन 10 से 20 लीटर प्रतिदिन होता है। इसके दूध में मक्खन का अंश प्राप्त होता है। इसके दूध में वसा 4 से 6% पाई जाती है। लाल सिंगी, इसका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बलूचिस्तान का के लसबेला इलाके में भी इसके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का रंग बादामी या गेहूँ है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती है तथा इसमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतान उत्पन्न के बाद 300 दिन के भीतर कम से कम 2,000 लीटर दूध देती है। गिर, ये प्रतिदिन 30 लीटर या इससे अधिक दूध देती है। इसका मूल स्थान काठियावाड़ का गिर जंगल है। राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में गाय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार गिर गाय किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा सकती है। कोकरेज, कच्छ की खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम से अहमदाबाद और रतनपुर तक का प्रदेश कांकरेज गाय का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती है। ये सर्वांगी की जाति की गाय है। इसकी मांग विदेशों में है। इसका रंग रूप हला, भूरा, लोहिया, भूरा या काला होता है। राजस्थान में इसे सांचोरी के नाम से जाना जाता है। थार पारकर, ये गाय दुधारू व दीविकांजी होती है। इसका रंग खाकी, भूरा या सफ़ेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और सिंध का पश्चिमी जो है रेगिस्तान इसका मूल स्थान है। इसकी खुराक कम होती है। इसका दूध 10 से 16 लीटर प्रतिदिन होता है। हरियाणा में सर्वाधिक साहिवाल गाय पाई जाती है। राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना 24 दिसंबर 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में की थी। आज हरियाणा में कुल 615 गौशाला, जिसमें से 546 रजिस्टर्ड गौशाला है। राज्य में सबसे ज़्यादा गौशाला सिरसा में है, सबसे कम रेवाड़ी में है। राज्य में कुल दो गौ सदन हैं, मांडेवाला, यमुनानगर और हिसार। राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना 18 मार्च 2015 में लागू की गई। राज्य में 16 मार्च 2015 को गोवध संवर्धन व कानून लागू किया गया था, जिसके तहत गोवध करने वालों को 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। डंडूर हिसार में 10 सितंबर 2016 को कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रदेश में पहले गो अभियान का शिलान्यास किया गया। देश का पहला गो मसाज पार्लर लुआस हिसार में 1 मई 2017 को शुरू किया गया था।
हरदेनु गाय 38 लीटर दूध देती है। यह गाय लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हरदेनु गायें उत्तरी अमेरिका, देशी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीड गाय हैं, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा हिसार में प्रकाश विकसित की गई है। इस गाय की यह खासियत है कि यह जल्द मैच्योर होती है और गायें उत्तरी अमेरिका की होल्स्टीन फ्रिंज 62.5 और हरियाणा में साहिवाल नस्ल के जो है 37.5 क्रॉस की उपज है। विटा बूथों के माध्यम से पास्चरीकृत A2 गाय का दूध उपलब्ध कराने वाला हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है। भैंस गर्भावती 310 दिन, प्रथम प्रजनन आयु 18 से 21 माह, मध्यकाल 24 घंटे। भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जिन्स वूल, विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जिन्स सिंद्रे में है। देश में भैंसों की मान्यता प्राप्त 11 जातियाँ हैं। मुर्रा, सुरती, जाफरावादी, मेहसाना, बदारी, गोदावरी, नागपुरी, संबलवादी, तराई, तोड्डा और यथाकनारा। देश में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन है, जो कि पिछली गणना के अनुसार 1% अधिक है। हरियाणा में कुल 43,76,644 भैंसे हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना की गई है। 1 फरवरी 1985 में की गई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1955 में करनाल में की गई, जो भैंस का पहला क्लोम गरिमा बनाने में सफलता हासिल की। क्लोम गरिमा 25 जनवरी 2013 को एक कटड़ी पडिया को जन्म दिया, जिसका नाम महिमा रखा गया। भारत पहला ऐसा देश है जहाँ क्लोम से तैयार कटड़ी ने बच्चा जन्म दिया। अब तक माना जाता है कि क्लोम से तैयार प्राणी पराए बांझ ही होते हैं, लेकिन गरिमा द्वितीय की माँ बनने के बाद यह मिथक टूट गया। डेयरी के बारे में, समरूपा 6 फरवरी 2009 को जन्मी विश्व भैंस का प्रथम क्लोन है, जो मात्र 6 दिन तक जीवित रही। गरिमा 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की क्लोम कटड़ी है, यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा 22 अगस्त 2010 को जन्मा भैंस क्लोन है। श्रेष्ठ 26 अगस्त 2010 को जन्मा विश्व का प्रथम क्लोन कटड़ा है। महिमा 25 जनवरी 2013 को जन्मे विश्व की दूसरी क्लोम कटड़ी है। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस के दैहिक कोशिका से 5 सितंबर 2013 को जन्मी क्लोन थी। यह क्लोम कटड़ी 25 सितंबर 2013 तक जीवित रही। लालिमा, स्वरूपा, इशार, गौरव ये भी जन्मी है। मुरा भैंस से तैयार किया जाने गया नया क्लोम सच गौरव है। यह कटड़ा असम की भैंस की सेल को हाईटेक सच डेयरी की मुरा नस्ल की भैंस में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इस कटड़ा का जन्म 22 दिसंबर 2017 को हुआ। मुरा यह विश्व की सबसे अच्छी भैंस की दुधारू नस्ल है। यह भारत के सभी हिस्सों में पाई जाती है। इसका घरेलू क्षेत्र हरियाणा के रोहतक, हिसार, जींद व करनाल जिले तथा दिल्ली व पंजाब में। इसका विशेष रंग जेट काला है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता छोटे मुड़े हुए असंख और खुर व पूंछ के निचले हिस्से में सफ़ेद धब्बे का होना है। मुरा नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान का मिट गुमरी है। इस भैंस की वजह से हरियाणा को भारत की पशु संपदा की खान कहा जाता है। यह भैंस एक दिन में 35 किलो तक दूध दे सकती है। इसे एशियन ट्रैक्टर काला सोना व खुंडी वाली भैंस भी कहा जाता है। मुरा भैंस की एक कहावत प्रचलित है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस हिसार व जींद में है। सबसे कम पंचकूला गुरुग्राम में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुरा भैंस जींद व कैथल में है। 18 मार्च 2018 को हरियाणा के पशुपालन डेयरी विभाग के अनुसार मुरा जनन दरों के और अधिक विकास प्रचार शिक्षण हेतु हरियाणा सरकार ने नारनोंद हिसार में मुरा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है। 25 किलो प्रति दिन दूध देने वाली मुरा नस्ल की भैंस के मालिक को राज्य सरकार 30,000 का रुपया इनाम देती है। बेड गर्भावती लगभग 150 दिन, प्रथम प्रजनन धारण आयु 18 माह, मध्यकाल 26 से 36 घंटे, औसत बच्चा जन्म 2 से 3। विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा भेड़ का स्थान है। भारत में भेड़ों के 26 नस्ल है। उत्तम नस्ल मेरीना है, मरीना भेड़। अभी तक देश में पाई गई वर्णशंकर नस्ल हर साडेल व कोरियोडेल भेड़ है। लोही भेड़ दूध के लिए बीकानेरी, जलोनी व मारवाड़ी ऊन के लिए व हसन, मांड्या व जलोनी मांस के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में भेड़ राज्य में सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी, हिसार, सिरसा में व सबसे कम गुरुग्राम में है। राज्य में गुरुजे दूध के लिए भादरवाल, बाकरवाल व भागरा ऊन के लिए पाई जाने वाली भेड़ है। हिसार से लोहारू में 2 वूल ग्रेडिंग कम मार्केटिंग सेंटर खोले गए हैं, जो ऊन खरीदते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में स्थित है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाले भेड़ की नस्ल हरनाम भेड़ है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविज रायल्स है। बकरी गर्भावस्था 157 दिन, प्रथम प्रजनन धारक आयु 18 माह, मध्यकाल 1 से 3 दिन और औसत बच्चा जन्म 3 से 5। बकरी को गरीबों की गायें भी कहा जाता है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन बकरी के दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान। जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, जिसके दूध में वसा के छोटे छोटे कण होते हैं। आयरन की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदम
में स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक बकरियां सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी में है, वह सबसे कम बकरियां पानीपत में है। राज्य में सबसे ज़्यादा पशुधन भैंस है, जबकि दूसरे नंबर पर बकरी है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्टा हिटमस है। सूअर, सूअर की गर्भावधि काल 114 दिन होता है। प्रजनन धारण आयु 12 माह, मध्यकाल 12 से 14 घंटे, औसत बच्चा जन्म 4 से 6 बच्चे। विश्व में सबसे ज़्यादा सूअर चीन में पाया जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सूअर सोनीपत में, सबसे कम मेवात में पाया जाता है। आधुनिक सूअर प्रजनन फार्म इसार में है। ऊँट, राज्य में सबसे ज़्यादा ऊँट सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ में, सबसे कम अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत में है। ऊँट की गर्भावधि 400 दिन है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेरिडियस है। गधे की गर्भावधि 365 दिन है। विश्व में सबसे ज़्यादा गधे चीन में पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गधे पलवल में पाए जाते हैं, सबसे कम अम्बाला में। गधे का वैज्ञानिक नाम इक्विस एसिनस है। घोड़ा, घोड़े की गर्भावस्था 330 दिन होती है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्विस कैविलिस है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े गुरुग्राम, सेकंड करनाल में, वह सबसे कम पंचकूला में है। खरगोश, राज्य में सबसे ज़्यादा खरगोश मेवात में है, सबसे कम यमुनानगर में है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम ओरिगेटोलेगस कैमिकुलस है। खरगोश की गर्भावस्था 23 से 30 दिन होती है। कुत्ते, कुत्ते की गर्भावस्था 63 दिन की होती है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियर्स है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कुत्ते गुरुग्राम, भिवानी, सिरसा में पाए जाते हैं। हाथी, हाथी की गर्भावस्था 624 दिन का होता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफांस एंडिका है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बाकी अन्य जिलों में नहीं पाए जाते। खच्चर, खच्चर का वैज्ञानिक नाम इक्विस एसिनस है। राज्य में सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में, सबसे कम रेवाड़ी में। बिल्ली, बिल्ली 63 दिन का गर्भावधि होती है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिनिस डोमेस्टिका होती है। राज्य में सबसे ज़्यादा बिल्ली नूह जिले में पाई जाती है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर में शुरुआत की गई थी। उसका उद्घाटन कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जो उस समय थे किया गया था। इस योजना के तहत 7 पशुओं का बीमा किया गया था, गाय, भैंस, बैल, भेड़, ऊँट, सूअर आदि। यह बीमा 3 वर्ष का किया गया जाएगा। वह अन्य 3 पशुओं का बीमा 25 रुपये में किया जाएगा। यह बीमा CST के लिए बिल्कुल फ्री है और यह करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। एस्केट योजना तहत मुंह व खुर रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। मुंह व खुर रोग से निजात पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कृषि व पशुपालन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने दिसंबर 2019 में की थी। इस योजना के तहत 2021 तक 10 लाख पशुओं के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 22 जनवरी 2000 को हुई। वह इसका मुख्यालय पंचकूला में है। केटल फीड प्लांट रोहतक में है। राज्य में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हिसार में है। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार में है। वह पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी हिसार में है। वीर्य बैंक नारनौल में है। हिसार गुरुग्राम व जगाधरी में सपरम केंद्र है। हरियाणा में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर 50,000 रुपये जुर्माना है। राज्य में पशुओं का सबसे ज़्यादा बड़ा मेला जाजगढ़ में लगता है। राज्य में ऊँट का सबसे बड़ा मेला बरालू लोहारू भिवानी में लगता है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1,087 ग्राम है, जो कि देश की सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार हरियाणा को मिल्क पेलिक कहा जाता है। मलानी घोड़े अपनी कालाबाजारी दिखाने के लिए प्रसिद्ध। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको रीड करवाना था। कैसा लगा ये टॉपिक कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।